हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बंदा फूडी किचन में। फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं आज ये बचे हुए ब्रेड से बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में ब्रेड रखे होते हैं पर कोई खाता नहीं है, तो हम इस तरह से ब्रेड का यूज कर सकते हैं। यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमने ब्रेड से यह नाश्ता कैसे बना के तैयार किया है। तो हमें चाहिए होंगे फ्रेंड्स ब्रेड, तो मैंने 4 ब्रेड का यूज किया है, तो मेरे 4 ब्रेड बच गए थे, कोई खा नहीं रहा था घर में, तो हमने सोचा चलो यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है, ब्रेड को हाथों से तोड़ लेना है। इससे क्या होगा, हम हाथों से अच्छे से तोड़ लेंगे तो मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें इनको तोड़ लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लेंगे मिक्सर ग्राइंडर और मिक्सर ग्राइंडर में हमें ये टूटे हुए ब्रेड को डाल लेना है और अच्छे से इनको हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह से ये ग्राइंड हो जाएगा। अब इसको हमें निकाल लेना है एक मिक्सिंग बाउल में। अब हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी सूजी, तो आप सूजी की जगह बेसन का भी यूज कर सकते हैं। एक चम्मच हमने डाल दिया है इसमें, दही को हमें डाल देना है एक चम्मच। एक चम्मच जीरा लेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर लेना है। इसके बाद हम लेंगे चाट मसाला और फ्रेंड्स हमें लेना है ये सेजवान फ्राई राइस मसाला। अगर हो तो डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह मैगी मसाला का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने एक चम्मच के आसपास डाल दिया है। अब हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है। तो फ्रेंड्स हमें इसका बैटर बना के तैयार नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें इसका डोसा बना के तैयार करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी का यूज किया है और सूजी फूलती भी है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ी देर अच्छे से मिक्सर से इस तरह से घुमाएंगे, बाद में हम हाथों से इसको अच्छे से मसल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें इसे डोसा बना के तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से थोड़ी देर फ्रेंड्स हम इसको हाथों से अच्छे से मसल के और जो भी हमने मसाले डाले हुए अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और फ्रेंड्स हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। तो इस जो हमने सूजी डाली हुई है, ब्रेड भी है, थोड़ा ब्रेड भी फूलता है, तो फूल अच्छे से फूल जाएगा, रख देते हैं साइड में। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स हम अगली प्रोसेस। इसके बाद फ्रेंड्स हमें लेना है एक प्याज। प्याज को हमने छील कर पहले ही रख लिया था और इसको हमें छोटे छोटे से पीसेज में इस तरह से कट करके रख लेना है। और इसके बाद फ्रेंड्स हम शिमला मिर्ची को भी छोटे छोटे से पीसेज में हमें कट कर लेना है। अगर आपको और भी सब्जियां पसंद हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं इस रेसिपी में, वो भी आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो अब हम शिमला मिर्ची को इस तरह से कट कर लेंगे, इनके बीजों को हमें कट करके इस तरह से निकाल लेना है और शिमला मिर्च को हमें छोटे छोटे से पीसेज में कट कर लेना है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो अब हम शिमला मिर्ची को इस तरह से छोटे छोटे से पीसेज में कट कर लेंगे। तो देखिए शिमला मिर्ची और प्याज अच्छे से कट हो चुकी है। अब हमें लेना है फ्रेंड्स ए चीजी गार्लिक, अगर आपके पास हो तो डालिए, स्किप भी कर सकते हैं। इसके जगह आप चाट मसाले का यूज भी कर सकते हैं, काली मिर्ची पाउडर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे पीपरी मिक्स मसाला, इसको भी हमें डाल देना है। फिर लेंगे हम पास्ता मिक्स मसाला, अगर हो तो डालिए ये भी आप, वरना इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप घर के मसाले यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको भी आधे चम्मच के आसपास डाल देंगे। आधी चम्मच चिली फ्लेक्स हमें डाल देना है, थोड़ा सा फ्रेंड्स हम नमक डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें लेना है ये अमूल का चीज क्यूब वाला, अगर आपके पास ये है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, वरना आप स्लाइस वाला भी ले सकते हैं या आप मोजरेला चीज भी ले सकते हैं। इसे हमें चीज को ग्रेट कर लेना है इस तरह से। तो मैंने चीज वाला सॉरी क्यूब वाला ये चीज यूज किया है, इसे हमने ग्रेट कर लिया है। एक और मैंने एक स्लाइस ऑयल ली है, इसको भी मैं इसी तरह से ग्रेट कर लूंगी अच्छे से। तो मैंने 2 स्लाइस का यूज किया है चीज के और हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपके पास ये सब मसाले हैं तो आप डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। इसके जगह आप घरेलू मसाले भी यूज कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ। अब हमें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने जो डो रखा था बना के सूजी और ब्रेड का, उसे हमें हाथों से मिक्स करके हाथों में थोड़ा सा और लगा के इस तरह से हमें टिक्की बना लेना है। तो आप चाहो तो गोल शेप भी दे सकते हैं, और वरना आप चाहे तो मैं जिस तरह से आपको बना के दिखा रही हूँ आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब हमने जो मसाला बना के रखा हुआ था, यानी स्टफिंग बना के रखी हुई थी प्याज की, शिमला मिर्च की और जो हमने मसाले यूज किए थे, इस तरह से हम भर के और इसको हम गुजिया का आकार दे देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें बना के रख लेना है। दूसरा भी मैं आपको इसी तरह से बना के दिखा रही हूँ। तो हाथों में डो लेके गोल आकार में बना के इस तरह से हम
कवर हमको कर देना है और हाथों से इस तरह से हम अच्छे से चिपका देंगे, क्योंकि हमने जो स्टफिंग उसमें भरी हुई है वो बाहर ना निकले। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम हाथों से अच्छे से शेप देते जाएंगे और सभी को इसी तरह से हमें बना के रख लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी को इसी तरह से बना के रख लिया है गुजिया के आकार में। अब हम कुकिंग ऑयल को गैस पे पहले ही रख चुके थे गर्म होने के लिए। अब एक गर्म हो चुका है, तो फ्रेंड्स अब हम इसमें एक एक करके इस तरह से डालते जाएंगे। मैंने कम ऑयल डाला हुआ है पैन में और इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। और हमें धीमी आंच पर इनको फ्राई करना है, ना ज्यादा तेज रखनी है और ना ज्यादा हमें मध्यम रखनी है। तो इसी तरह से हम इनको बढ़िया सा दोनों साइड से उलटते पलटते इनको हमें सेंकते जाना है, जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो, ये बहुत ही अच्छी लगती है और सभी को ये पसंद आएंगी, छोटे से बड़ों को, बच्चों को तो खासकर ये बहुत ही पसंद आते हैं अक्सर चीज वाले। तो फ्रेंड्स आप बनाइएगा मेरे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसी तरह से हमें इनको और बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने देना है, जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम इनको उलटते पलटते बढ़िया सा हमें सेंक लेना है। तो मेरे जितने भी बचे हुए हैं मैं इसी तरह से उनको सेंक लूंगी उलटते पलटते। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं, आप इनको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, चाय के साथ भी आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बढ़िया सा अब इनमें कलर आ चुका है, तो इसी तरह से हमें इनको उलटते पलटते बढ़िया सा सेंक लेना है। अक्सर हमारे घर में ब्रेड बच जाते हैं जब कोई खाता नहीं है, तो आप इस तरह से इस रेसिपी को बना के ट्राई कर सकते हैं। छोटे से लेके बड़ों को ये सभी को पसंद आने वाले हैं। तो अब ये फ्राई हो चुके हैं, तो हम इस तरह से इनको एक एक करके फ्रेंड्स निकालते जाएंगे। और कुछ मैंने बाद में डाले हुए थे, तो वो बाद में हम उनको और फ्राई करेंगे। थोड़े से पहले जो फ्राई हो चुके हैं उनको हमें निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स अभी हमने सभी को इस तरह से निकाल लिया है, अब दो और बचे हैं, वो हम बाद में उनको फ्राई करते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे इनकी प्लेटिंग। तो इसी तरह से हमारे सब बनके हो चुके थे तैयार। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अब इनको प्लेट में सर्व किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको चटनी पसंद है तो आप इनको चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, वरना आप इनको ऐसे ही खाएंगे तब भी आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।